देखिए आपका एविडेंस में सेक्शन तीन चल रहा था और तीन परिभाषाएं तीन चार और आपका बताना है मेन मेन इसमें आपका प्रूव्ड यानी कि साबित, डिसप्रूव्ड मतलब ना साबित और नॉट प्रूव्ड मतलब साबित नहीं हुआ। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एक बन जाता है। बैठिए हो, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बना है आपका ये नॉट प्रूफ से ही बना है क्वेश्चन, कि साबित नहीं हुआ। बात ना करिए भाई, ये नॉट प्रूफ कब कहा जाएगा? तो जो जब कोई तथ्य न तो साबित हुआ है और न ही ना साबित, यानी कि दोनों पक्षकारों ने पूरा जोर लगाया लेकिन दोनों पक्षकार क्या रहे? असफल। तो इसी को आपका देखना है। फिर एक बार क्रम बनाइए। पहला आपका बताया गया था कि कोई फैक्ट है यानी कि घटना है या तथ्य है, उसी फैक्ट को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, सभी तथ्यों को नहीं। जो तथ्य सेक्शन 5 से लेकर 55 तक में आ जाते हैं, बताया जाएगा। अब तो कल से शुरू ही हो जाएगा, धारा 4 थोड़ा समय लेगी। अब इन्हीं तथ्यों को न्यायालय में साबित या ना साबित किया जाता है। कब कहा जाएगा कि कोई तथ्य प्रूफ हो गया? प्रूफ का मतलब कि न्यायालय को विश्वास हो गया कि इस तथ्य का अस्तित्व है। जैसे कि ए पर ये इल्ज़ाम लगा है कि इसने घड़ी चुराई थी, तो कब कहा जाएगा कि ए पर जो इल्ज़ाम या आरोप लगा है वह प्रूफ हो गया, प्रमाणित हो गया, साबित हो गया? और कब कहा जाएगा कि जब ए पर आरोप जो लगा है घड़ी चुराने का वह ना साबित हो गया तो साबित हो गया तो ए दंड का भागी होगा, और ना साबित हो गया तो ए बाइज्जत बरी होने का या आपका एक्विटल होने का भागी होगा, यानी कि दोष मुक्त किया जाएगा। और आपका साबित नहीं हुआ यानी कि नॉट प्रूफ्ड का मतलब क्या हुआ कि अभियोजन ने भी पूरा जोर लगाया, अभियुक्त ने यानी कि अभियोजन कह रहा था, बैठे हो अंदर, यानी कि अभियोजन कह रहा था कि इसने चोरी की, अभियुक्त कह रहा है कि हमने चोरी नहीं की। न तो अभियोजन अपनी बात को साबित कर पाया और न ही अभियुक्त, यानी कि इसका मतलब कि एक पक्षकार ने कहा कि ये चोरी किए हैं वह साबित नहीं कर पाया, और दूसरा पक्षकार पहले पक्षकार की बातों को काट भी नहीं पाया कि इनका आरोप क्या है, गलत है। यानी कि इसका मतलब न ए अपनी बात न्यायालय में साबित कर पाया और न ही ए की बात को बी ना साबित कर पाया, तो हम कहेंगे नॉट प्रूव्ड। तो ऐसी दशा में भी अभियुक्त बाइज्जत बरी होने का क्या होगा? हकदार। एक समस्या बनती है कब्जे को लेकर, उसको हम बताएंगे। पहले बेयर एक्ट आपका बता दिया जाए। देखिए आपका साबित शब्द की परिभाषा क्या दी गई है। कोई तथ्य साबित या प्रूफ हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समझ के विषयों पर यानी कि जो बातें न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं विचार करने के पश्चात या तो बिलीव करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है। तो पहला देखिए, ए पर इल्ज़ाम है कि उसने घड़ी चुराई। अभियोजन ने जो न्यायालय में साक्ष्य पेश किया, न्यायालय को ये बिलीव हो गया कि ये तथ्य सही है, इस तथ्य का अस्तित्व है। इसका मतलब कि इन्हें ही यह घड़ी क्या की है, चुराई है। तो हम कहेंगे कि ए के जो ऊपर इल्ज़ाम लगा था वह क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि भले न्यायालय को बिलीव पूरी तरह न हो लेकिन एक संभावना बना दिया जाए कि हजूर कंडीशन ऐसी थी कि इस कंडीशन में ये पूरी संभावना है
कि यह घड़ी कौन चुरा सकता है। ए यानी कि जो परिस्थितियां न्यायालय में पेश की गई हैं या जो बातें पेश की गई हैं, अगर एक प्रूडेंट मैन यानी कि अगर एक सामान्य आदमी अर्थात अगर एक प्रज्ञावान आदमी से पूछा जाए क्या क्या इस आधार पर तुम ये कह सकते हो कि ए ने ही घड़ी चुराई होगी, तो वह आम आदमी यही कहेगा इस बात की पूरी संभावना है साच देखते हुए कि घड़ी किसने चुराई होगी, ए ने। तो ऐसी दशा में अगर परिस्थितियां बयान करें, कल ही बताया गया कि मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां नहीं, किसका कोटेशन है, बाबी का, और आपका फाइव गोल्डन आपका स्वर्ण नियम फाइव गोल्डन रूल किस केस में मैंने दिया गया परिस्थिति जन साच का केस शरद विरधि चंद्र शारदा बैरठ कर जाइए अबेक जो कम से कम पढ़ाया जाए उसमें अगर पूछा जाए तो किसी से गलती न हो, प्रयास ये करिए। तो देखिए अगला शब्द देखा जाए, अभी आधा इस शब्द बैरेट का हुआ था, आगे देखिए। या उसके अस्तित्व की इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में मैंने उस कंडीशन में आपका किसी प्रज्ञावान व्यक्ति मैंने प्रूडेंट मैन, पागल ओगल नहीं, मत वाला नहीं, दो बूंद वाला नहीं, प्रज्ञावान मतलब कि जो सोचने समझने की क्या रखता हो क्षमता, प्रूडेंट मैन को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है, यानी कि अगर एक सामान्य आदमी से पूछा जाए कि बताओ कि जो कंडीशन ये हैं, आप अगर तुम्हें से पूछा जाए कि क्या इस कंडीशन में इस तथ्य का अस्तित्व है, यानी कि क्या इस कंडीशन को देखते हुए तुम बताओ कि क्या तुम्हें लगता है, यानी कि पूरी इस बात की संभावना तुम्हें लगती है कि इन्हें घड़ी चुराई होगी, तो अगर एक आम आदमी ये कहे कि हाँ इस परिस्थिति से तो यही लगता है पूरी तरह संभावित है कि यह घड़ी किसने चुराई होगी, ए ने, तो ये माना जाएगा कि तथ्य साबित हुआ कि ना साबित, साबित। तो साबित के दो प्रावधान हैं, फिर एक बार या तो पूर्ण रूप से न्यायालय को क्या हो जाए विश्वास या विश्वास न हो लेकिन एक अधिसंभाव्य यानी कि पूरी संभावना हो जाए कि इसी व्यक्ति ने ये कार्य किया होगा, लेकिन संभावना किसके आधार पर देखा जाएगा, एक प्रूडेंट मैन के आधार पर, एक सामान्य आदमी के आधार पर, सामान्य सोच वाले आदमी जो अपनी बुद्धि और तर्क से आपका कुछ अच्छा क्या करे सोच सके। इसके सीधे विपरीत आपका डिसप्रूव है यानी कि ना साबित है। ना साबित का मतलब ये हुआ कि न्यायालय को ये विश्वास हो गया कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, यानी कि ए पर चोरी का इल्जाम था जो साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए, जो जिन तथ्यों को एविडेंस में पेश किया गया न्यायालय ने उस पर विचार किया, न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो गया कि ए ने चोरी नहीं की, तो हम कहेंगे कि जो ए के ऊपर इल्जाम या आरोप या चार्ज लगा था वो क्या हो गया, ना साबित। या जो भी एविडेंस आए हैं, जो कंडीशन है, एक प्रूडेंट मैन से पूछा जाए कि बताइए इस कंडीशन में आपको क्या लगता है, क्या इस बात की पूरी संभावना है कि इन्हें अपराध किया होगा, तो एक प्रूडेंट मैन अगर बताता है उस कंडीशन को देखकर कि नहीं इस बात की पूरी संभावना है कि ये तस्त अस्तित्व में नहीं है, अर्थात इस बात की हाई पॉसिबिलिटी है कि ए ने घड़ी नहीं चुराई होगी, तभी हम मानेंगे कि जो ए के ऊपर इल्जाम लगा है घड़ी चुराने का वह क्या हो गया है, ना साबित, डिसप्रूव। मैंने प्रूफ के उल्टा क्या हो गया, डिसप्रूव। हम न 3 में न 13 में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो न इधर का न उधर का, यानी कि जैसे आपका
कह सकते हैं कि न घर का न घाट का, तो वही नॉट प्रूफ कहलाता है। तो नॉट प्रूफ खूब पूछा जाता है, कब कहलाएगा? अरे रट कर जाइए, जब कोई तथ्य न तो साबित हुआ और न ही ना साबित। अर्थात दोनों पक्षकारों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन अपनी अपनी बात को न तो एक पक्षकार साबित कर पाया और न दूसरा पक्षकार उसकी बात को काट सका। एक उदाहरण देखिए, थोड़ा क्रिमिनल मामला न जाकर आपका दो उदाहरण देखा जाए। एक क्रिमिनल का, क्योंकि भाई सिविल में भी ये सब धाराएं लागू होंगी, तो सिविल का भी मैटर चलते रहा जाए, ताकि दोनों उदाहरण बराबर रहे। मान लीजिए ये मकान है, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया है कि हजूर बी ने हमारे मकान पर इलीगल या अवैध तरीके से पजेशन या कब्जा किया है। तो आपका ए को क्या साबित करना है कि ये इस मकान का कब्जेधारी मैं हूँ कानूनी रूप से, और बी ने इस मकान पर क्या किया है, जबरदस्ती कब्जा। बी को ए की बात को क्या करना है, काटना है कि हजूर ये मकान किसका नहीं है, ए का नहीं है भाई, मेरा या किसी का हो, लेकिन ए का नहीं है। अब ए को ये साबित करना था, और ए पूरी तरह साबित करने में क्या हो गया, विफल, यानी कि आपका साबित नहीं कर पाया। बी को ए की बात को काटना था मतलब क्या हुआ, ना साबित करना था, लेकिन बी भी ए की बात को काट नहीं सका, यानी कि न तो ए अपनी बात साबित कर पाया और न ही बी ए की बातों का खंडन कर पाया, यानी कि वह तथ्य ना साबित कर पाया। तो अब यहाँ जो आगे क्वेश्चन बनता है, होगा क्या, तो वाद खारिज होगा, जो जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में क्या होगा, रहेगा। तो बताइए इस उदाहरण में अगर ये पूछा जाए कि मकान का कब्जा किसके पास रहेगा, बी के, क्योंकि ए अपनी बात को साबित और कब्जे के आधार पर स्वामित्व मिल सकता है, एविडेंस की वह धारा याद रखिए, आगे हम बताएंगे ही, 110 दोनों बार रिपीट, और ये दोनों में रिपीट किया था कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, यानी कि पजेशन ओनरशिप का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है। ये एविडेंस की किस धारा में है, कब्जे को संरक्षण किस धारा में, तो आपका क्या जवाब रहेगा, 110 भाई रट कर जाइएगा, 110। तो ये कोई समस्या हो तो बताइए। दूसरा उदाहरण देखा जाए आपका घड़े, दूसरा उदाहरण देखा जाए जो पूछा गया है। दूसरा उदाहरण इस पर हम लेते हैं आपका आईपीसी का लेते हैं, शाम को ही बताया गया था चोरी का उदाहरण आपका जो पूछा गया था, किशन कन्हैया पर पूछा गया था, यानी कि माखन चोर पर, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और सुबह से शाम तक मैं कहाँ रहता हूँ, जंगल में बांसुरी बजाता हूँ और गायों को क्या करता हूँ, चराता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर घर से माखन चुराए हैं तो आईपीसी की कौन सी धारा के तहत इल्जाम लगा है, 380, यानी कि अभियुक्त पर चोरी का इल्जाम लगा है, वो भी किसकी चोरी का, माखन का। तो ऐसी दशा में माखन चल संपत्ति है कि अचल, पहला पॉइंट देखना है, मुए बुल तभी तो चोरी, नहीं तो चोरी की संपत्ति के विरुद्ध होगी, चल की अचल की दोनों, केवल चल, अचल न मार दीजिएगा। तो ऐसी दशा में अभियुक्त अपना बचाव ले रहा है, और बचाव आपका सेक्शन 11 का ले रहा है, प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र होने का अभिवाक। ये जो प्ली ऑफ एलिबाई है, यह एक स्पेसिफिक फैक्ट है, और इसको साबित करने का भार 103 के तहत किस पर होगा, अभियुक्त पर, यानी कि जो माखन चोरी किया। अब आइए उदाहरण बनाइए। अब मान लीजिए कि ए अभियोजन है, यानी कि सरकारी वकील, और बी अभियुक्त है। ए को साबित करना है कि
इस घर से माखन की चोरी किसने किया? बी ने। और बी को एक ही बात को काटना है कि हजूर हम माखन चोर नहीं है, हम तो उस समय कहाँ थे, आपका जंगल में थे। तो न तो ए अपनी बात साबित कर पाया और न ही बी एक ही बातों को काट सका। तो बताइए, जब अभियोजन अपनी बातों को साबित करने में विफल हो गया तो भले अभियुक्त अपनी बातों को न साबित करे या अभियोजन की बातों को न काट सका हो, तो अभियुक्त बाइज्जत बरी होने का क्या होगा? हकदार, सजा दी जाएगी कि नहीं? नहीं, क्योंकि किसका कर्तव्य है कि युक्तियुक्त संदेह से पर अभियुक्त के दोष को साबित करे? क्या अभियुक्त की कमी का सहारा ये ले सकता है प्राजकुशन? नहीं, ये नहीं कि प्लिया फेली भाई नहीं साबित कर पाया, एक बात को नहीं कर पाया तो सजा दे दीजिए। भाई आपका दायित्व तो है, आप क्या करिए। आपका ये दायित्व तो जल्दी बदलता नहीं है, जो ए पर है एक मामले में बदलेगा और वह है रेस एप्साला क्विटर यानी कि एविडेंस की धारा 106 यानी कि घटना अपनी कहानी स्वयं कहती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपका जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई लोग हमसे भी कहे कि आप जो टेस्ट कराते हैं आपका फोटो वोटो खींच के लड़कों को सोशल मीडिया पर डालिए, इतने लड़के आ रहे हैं टेस्ट देने ऑनलाइन ऑफलाइन। 90 लोग आए थे, मैंने लगभग 100 मैंने पेपर फोटो ही टेस्ट कराया था, गया था, 90 लोग आए थे। तो कई लोग सलाह दिए, हम कहे कि भाई फोटो वोटो नहीं भेजा जाएगा, सोशल मीडिया पर जा ही रहा है, जिसको टेस्ट ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन का टेस्ट का सिस्टम भाई अगली बार से बदलेगा। जैसे सिस्टम बैठाया जा रहा है इस बार, जैसे आयोगों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है MP-UMP में, सेम उसी प्रकार से अगली बार से ऑनलाइन टेस्ट होगा, क्योंकि ऑनलाइन में भी सैकड़ों लोग जुड़े हैं। अब तक PDF फाइल भेजा जा रहा था ऐप पे, अब सिस्टम आपका बैठाया गया है कि ऑनलाइन जो टेस्ट होगा, जैसे और तुरंत आपका क्लिक करिए तो तुरंत गलत है कि सही है वह इंडिकेट कर देगा। तो सिस्टम आपका अपडेट किया जा रहा है, तो अगली बार से अपडेट हो जाएगा, पूरा चांस है। तो इस प्रकार तीनों शब्द हो गए, इसके बाद आपका धारा 3 समाप्त हो गई। अब आइए धारा 4। धारा 4 से आपका, हमें लगता है कि जितना पढ़ाया जाएगा, आपका 2 क्वेश्चन निश्चित 3 क्वेश्चन बनना चाहिए, कोरिलेट करके जो हम बताएंगे। पिछली बार आपका बिहार में भी बना, यूपी में भी बना है और लगातार क्वेश्चन बनता है। तो पहले देखिए आपका, फिर एक क्वेश्चन नया बनाया जाए और तब आपका, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अभी आपका कई राज्यों में पूछा भी गया था। देखिए जनरल रूल देखिए क्या है, सामान्य नियम ये है कि न्यायालय किसी तथ्य के अस्तित्व को यानी कि किसी बात को प्रूफ, अभी हमने बताया, अब ये ना पूछेगा प्रूफ क्या है, प्रूफ तभी मानेगा, साबित तभी मानेगा, प्रमाणित तभी मानेगा जब उस तथ्य को न्यायालय में साबित कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि न्यायालय किसी तथ्य के अस्तित्व को तभी स्वीकार करता है जब न्यायालय में उन तथ्यों को क्या कर दिया जाए, प्रूफ। प्रूफ का मतलब ये हुआ कि या तो न्यायालय पूर्ण रूप से विश्वास कर ले एविडेंस के आधार पर कि ये तथ्य मौजूद है यानी कि इन्हें ही चोरी की, या इतना तथ्य दिया गया है न्यायालय में कि अगर एक आम आदमी की सोच से न्यायालय सोचे तो ये पूरी संभावना निकालेगा न्यायालय इस चोरी को तो कौन किया होगा, ए। तो हम कहेंगे कि ए के खिलाफ जो चोरी का इल्जाम था वह क्या हो गया, साबित। तो सामान्य नियम क्या है, पहले सामान्य नियम देखिए। सामान्य नियम यही है कि न्यायालय तभी किसी तथ्य को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा जब ओरल एविडेंस द्वारा बताया गया। तो भाई ओरल एविडेंस मतलब क्या,
आपका मुख से बोला गया तो क्या इशारों द्वारा किया जा सकता है कि नहीं? तो कौन सा केस है कि इशारों द्वारा भी मौखिक साक्ष किया जा सकता है? क्वीन, इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। और ये केस किससे रिलेटेड है? मृतकालिक कथन। भाई रटते रहिए, अभी बता दिया गया है ये। आपका मुख्य न्यायाधीश पैथरम थे, अल्पमत में भी हो सकता है नया क्वेश्चन बन जाए। जस्टिस महमूद ने फैसला दिया, किस सेक्शन में इसे मैंने इशारों को रिलेवेंट माना? एट में। लेकिन बहुमत ने नहीं, किसने माना? तो ये मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर पूछ ले कि अल्पमत में, आजकल ऐसा नेट वोट में क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, तो माइनॉरिटी में किसने आपका जजमेंट दिया? तो महमूद ने। किस सेक्शन में रेलिवेंट माना? एट में। तो प्रीवियस कंडक्ट की सबसिक्वेंट कंडक्ट, यानी कि पूर्ववर्ती आचरण की पश्चातवर्ती आचरण के रूप में, पश्चातवर्ती घटना के बाद। तो एमपी ने पूछा कि कौन सा आचरण सुसंगत है, पूर्ववर्ती की पश्चातवर्ती की, दोनों दोनों। मैंने धारा 8 में कौन सा कंडक्ट सुसंगत है? दोनों। ये भी याद करके जाइएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ा जाए इसमें कि आप समान नियम यह है कि न्यायालय तभी किसी तथ्य को स्वीकार करेगा जब न्यायालय में या तो ओरल एविडेंस यानी कि मौखिक साक्ष या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि दस्तावेजी साक्ष द्वारा उस तथ्य को क्या किया जाए? प्रूफ। तो अभी तो प्रूफ बताया गया, साबित किया जाए। लेकिन वही लेकिन लगाना है और आपका सतर्क रहना है, इसी पर क्वेश्चन ज्यादा लोग गलत करके आएंगे। कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन्हें साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, यानी कि सबूत का अभित्यजन करते हैं। कोर्ट में साबित किया जाना जिन्हें आवश्यक नहीं है, तो किन तथ्यों को प्रूफ किया जाना, साबित किया जाना आवश्यक नहीं है? तो तीन तथ्य रट कर जाइएगा और तब मॉडल हम बताते हैं। तीन तथ्य रट कर जाइए। पहले उपधारित तथ्य, यानी कि जिन तथ्यों के बारे में प्रिजम्पशन किया गया है। दूसरा आपका जुडिशियल नोटिस, यानी कि न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य हो गया। पहला उपधारित हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया? जुडिशियल नोटिस यानी कि न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य। और ये कौन है भाई? हाँ, स्वीकृतियां, न्यायिक स्वीकृतियां। भारत नहीं, स्वीकृति लिखिए, भारत में आएगा तो आगे बताया जाएगा भाई। अभी आपका देखिए, आपका तीनों शब्दों को थोड़ा समझिए। ये जो तीन मैं बातें बताया हूँ, इसको कोर्ट में प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तब क्वेश्चन का मॉडल 4-5 याद रखिए। पहला उपधारित तथ्य, यानी कि अभी हम उपधारणा ही शुरू करेंगे इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, यानी कि जिन तथ्यों की न्यायालय उपधारणा करता है, परिकल्पना करता है, जिन तथ्यों के बारे में अनुमान लगाता है, उन तथ्यों को अब कोर्ट में साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ये तथ्य सबूत का अभित्यजन करते हैं। ये भी एक मॉडल बनता है कि कौन से तथ्य सबूत का अभित्यजन करते हैं, सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना हो गया? तीन। पहला क्या हो गया? जिन तथ्यों के बारे में क्या की जाती है उपधारणा, तो उपधारणा मलक से चुकी शुरू ही करना है धारा 4 में, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। लेकिन ये दोनों बताना पड़ेगा। आपका न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य, यानी कि 56 और 57 और 58, तीन आपका चीजें देखनी है। 50 आपका 6 कहती हैं कि जिन तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, जुडिशियल नोटिस लेगा, उन्हें प्रूफ किए जाने की आवश्यकता नहीं। तो आपका जुडिशियल नोटिस का मत किन किन तथ्यों की जुडिशियल नोटिस लेगा, ये 57 में लिस्ट दी गई है। वह लिस्ट से अंदर से बिहार इस बार पूछ लिया, कभी पूछा नहीं जाता था।
13 तथ्य हैं, यानी कि जुडिशियल नोटिस का मतलब एक लाइन में नए लोग समझें कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसे न्यायालय स्वयं स्वीकार करने के लिए बाउंड है, यानी कि पक्षकारों से एविडेंस नहीं मांगता कि लाइए, ये न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह स्वयं क्या हो स्वीकार करे। यानी कि ये बातें माना जाता है कि न्यायालय के हृदय में निवास करती हैं। कहाँ निवास करती हैं? हृदय में। और न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है, बाउंड है, अलग से साबित नहीं करना है तो आगे बताया जाएगा। और तीसरा स्वीकृतियाँ, तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि जो एडमिशन, एडमिशन मतलब कि किसी तथ्य को स्वीकार कर लेना, जैसे ए एक व्यक्ति है और कहता है कि ये बिजली का बिल मैं जमा करता हूँ, यानी कि इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि बिजली का बिल मैं जमा करता हूँ, या ये भी कह सकता है कि बिजली का बिल भी जमा करता है, ये भी एक फैक्ट है जिसे क्या कर लिया गया, स्वीकार। एडमिशन दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, एक गैर न्यायिक एक्स्ट्रा जुडिशियल, न्यायोत्तर स्वीकृति या न्यायालय से बाहर। तो जो स्वीकृति न्यायालय से बाहर की गई है वह सबूत का अभित्यजन नहीं करेगी आपका, यानी कि वैभियर नहीं करेगी। यानी कि न्यायालय से बाहर अगर इस बात को एक्सेप्ट किया है तो उसे कोर्ट में फिर से क्या करना पड़ेगा साबित। लेकिन अगर ए यही बात कहाँ जाकर एक्सेप्ट कर ले, कोर्ट में कहाँ एडमिट कर ले, तो कोर्ट में एडमिट कर लेता है तो क्या उस बारे में फिर साक्ष्य मांगा जाएगा, सबूत खिलाइए, नहीं। तो कौन सी स्वीकृति सबूत का अभित्यजन करती है आपका, और किस स्वीकृति को साबित करना आवश्यक नहीं है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो कौन सी स्वीकृति भारत में हुई, न्यायिक की गैर न्यायिक, जुडिशियल की एक्स्ट्रा जुडिशियल, केवल और केवल जुडिशियल। तो सेक्शन भी पकड़ना है कि न्यायिक स्वीकृति को साबित करना आवश्यक नहीं है, कौन सा सेक्शन है, 58 न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य को साबित करना आवश्यक नहीं है, 56 और उपधारित तथ्य, तो उपधारणा में दो भागों में हम बांटेंगे, एक दस्तावेज की उपधारणा, ये अलग चलेगा, डॉक्यूमेंट की आपका 79 से लेकर 39 नहीं भाई 90A, ये डॉक्यूमेंट संबंधी प्रिजम्पशन है। और दूसरा आपका अन प्रिजम्पशन जो है 107 से लेकर 114A, यानी कि 107 से लेकर कहाँ तक, 114 है। तो इसी में से सेक्शन बहुत पूछे जाते हैं। फिर एक बार देखिए, क्वेश्चन का मॉडल आगे भी बताया जाएगा, यानी कि यहाँ समाप्त हो गया, बहुत अच्छा मॉडल यहाँ बनता है। फिर एक बार देखिए, किसे साबित करना आवश्यक है, अब ऑप्शन देखिए मैं बता रहा हूँ आपका, पहला उपधारित तथ्य या जिन तथ्यों के न्यायालय उपधारणा करता है, दूसरा आपका गैर न्यायिक स्वीकृतियाँ, न्यायिक स्वीकृतियाँ इनमें से कोई नहीं, तो कौन साबित करना आवश्यक है, गैर न्यायिक स्वीकृतियाँ, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, पहला मॉडल। दूसरा मॉडल, निम्नलिखित में से किन तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है, ये तीन दिया रहेगा, स्वीकृति न भाई बनाइएगा, इसको न्यायिक दे दीजिएगा, तीन दिया रहेगा, उपर्युक्त सभी दिया रहेगा, तो क्या मार कर आएंगे, उपर्युक्त सभी। अब दूसरा मॉडल देखिए, निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक है, ये तीन ऑप्शन रहता है और एक जो ऑप्शन बीच में घुसाता है वह आपका या तो सुसंगत तथ्य यानी कि रिलेवेंट फैक्ट या विवादक तथ्य देता है, ये तीन ऑप्शन रहेगा और ज़्यादातर मामलों में देगा विवादक तथ्य, और इसी में पूछ लेगा
कि निम्नलिखित में से किस फैक्ट को प्रूव करना आवश्यक है, तो बताए किसको आवश्यक है। और विवादक तथ्य न देकर दे दे आपका सुसंगत तथ्य, तब किसको साबित करना आवश्यक है, सुसंगत, और दे देगा गैर न्यायिक स्वीकृति, उसको भी साबित। अब दूसरा मॉडल देखिए, निम्नलिखित में से किसे साबित करना आवश्यक नहीं है। भाई शब्द पकड़िएगा, सबसे खतरनाक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लास्ट में, नहीं है। अब नहीं दे तो आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि किसे साबित नहीं किया जाता, तीन चीजों को, तो दे देगा पहला विवादक तथ्य। तो बताइए विवादक तथ्य को साबित करना आवश्यक है कि नहीं है। दूसरा सुसंगत तथ्य, साबित करना आवश्यक है कि नहीं। तीसरा दे देगा गैर न्यायिक स्वीकृतियां, न्यायालय से बाहर एडमिट करना है कि नहीं। और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे इस उदाहरण में। और इनमें से कोई नहीं की जगह दे देगा आपका उपधारित तथ्य, तो किसे साबित करना आवश्यक है। तो ये चार ऑप्शन में क्या मारेंगे, नहीं आवश्यक नहीं है तो उपधारित तथ्य, यही दे देगा जुडिशियल नोटिस, या यही दे देगा न्यायिक स्वीकृतियां। तो याद रखिए तीन बातें, बहुत अच्छा, अभी आधा लोगों के समझ में नहीं आया होगा, ये हम भी बता रहे हैं क्योंकि इतना आसान नहीं एविडेंस, तो आधा लोगों को ना आया होगा, तो फिर 56 चलेगा तो डिटेल में एक बार क्या किया जाएगा बता ही जाएगा। अब आइए आगे देखा जाए अनुमान, अनुमान देखा जाए, भाई प्रिजम्पशन शुरू किया जाए। सामान्य नियम यह है कि न्यायालय अनुमान पर कार्य नहीं करता, जो तथ्य उसके सामने मौजूद हैं उसी तथ्यों पर भरोसा करता है और उन्हीं तथ्यों पर विश्वास करता है, लेकिन उपधारणाएं इसका अपवाद हैं, अनुमान या प्रिजम्पशन या कल्पना इसका अपवाद हैं, जहाँ कि न्यायालय मान कर चलता है। जैसे कि आपका मान कर चला जाए कुछ चीजें, जैसे समाज भी मान कर चलता है, तो आपका फिर एक पर पहला क्वेश्चन आता है कि प्रिजम्पशन शब्द को कहाँ डिफाइन किया गया है, पहला क्वेश्चन। बताइए धारा चार में परिभाषित है कि नहीं। एक बार उपधारणा शब्द, ये नहीं कि इधर उधर देखिएगा उपधारणा के अलावा, क्या प्रिजम्पशन शब्द डिफाइन है कि नहीं, नहीं है। अब यही भरमा देगा परिभाषित है, चार में, 112 में, 113 में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या धारा चार में प्रिजम्पशन शब्द कहीं परिभाषित हैं, नहीं। तो क्या परिभाषित है, उसके प्रकार परिभाषित है, तो ही हम बताएंगे। जब कोई चीज परिभाषित नहीं होती तो अपनी परिभाषा बनाई जाती है। उपधारणा का मतलब अनुमान, एक तथ्य के अस्तित्व के आधार पर, एक बात के साबित हो जाने पर, एक घटना के न्यायालय में साबित हो जाने पर दूसरी घटना का न्यायालय कल्पना कर लेता है, अनुमान लगा लेता है, अनुमान लगा लेता है, कल्पना कर लेता है, दूसरी घटना का सही होना क्या करता है, मान लेता है, उसी को प्रिजम्पशन कहा जाता है। उदाहरण के रूप में धुआं निकल रहा है, तो ये एक बात साबित कर दीजिए कि हजूर धुआं क्या हो रहा था, उठ रहा था, निकल रहा था, तो न्यायालय दूसरी बात को स्वतः स्वीकार कर लेगा। अब साक्ष्य नहीं देना है कि आग क्या होगी, लगी होगी। दूसरा चीज ये लिव इन रिलेशनशिप में भी यही होता है, अगर एक तथ्य, एक बात, एक चीज ये साबित कर दिया जाए कि हजूर ये पुरुष और स्त्री लंबे समय से पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, तो भले ये लोग विवाह न किए हों, न्यायालय एक प्रिजम्पशन करता है कि ये विवाहित हैं, यानी कि अनुमान लगाया जाता है। तो अनुमान लगाया जाता है, उसके लिए क्या सबूत की मांग या साक्ष्य की जाती है, नहीं।
यानी कि एक तथ्य के आधार पर क्या अनुमान लगा लेना। दूसरा, फिर एक उदाहरण देखिए। ए एक व्यक्ति है, चोरी हुई। चोरी के कुछ समय पश्चात ए के पास चुराया हुआ माल बरामद हुआ, स्टोलेन प्रॉपर्टी रिकवर होती है। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि या तो ए चोर है या चोरी का माल जानते हुए क्या है रखा है। तो देखिए, एक तत्व बस साबित करना है कि इनके पास चुराया हुआ माल क्या हुआ, बरामद। तो न्यायालय दूसरी बात को क्या कर लेता है, स्वीकार। ये यानी कि जब एक तथ्य के अस्तित्व को देखकर न्यायालय दूसरे तथ्य का अस्तित्व निकाल लेता है तो इसी को अनुमान कहते हैं। अब ये जो अनुमान है ये आपका निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। अगला क्वेश्चन अब आइए कि उपधारणा हो सकती है सकारात्मक की, नकारात्मक की, दोनों। दोनों मार्क कराइएगा। उपधारणा एविडेंस नहीं होती। अगला क्वेश्चन आइए, क्या उपधारणा साक्ष्य है कि नहीं। तो भाई रट कर जाइएगा, क्या प्रिजम्पशन एविडेंस है। तो क्या मार्क कराएंगे कि उपधारणा साक्ष्य नहीं होती। तो आखिर करती क्या है पूछ लेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ को यानी कि सबूत के भार को शिफ्ट कर देती है, परिवर्तित कर देती है, एक पक्षकार से किस पर डाल देती है, दूसरे पर। यही मार्क कराइएगा। उपधारणा का प्रभाव क्या होता है। तो उपधारणा बर्डन ऑफ प्रूफ को सबूत के भार को क्या करते हैं, दूसरे पक्षकार पर शिफ्ट। बस एक मिनट सर, छोड़ते हैं। देखिए एक उदाहरण देखिए। ए माने ए के पास चोरी के कुछ सभी उपधारणा शुरू नहीं, सामान्य बातें चल रही है, नहीं कि बेरेक शुरू हो गया। अभी बेरेक में 200 धाराएं जोड़नी पड़ेंगी। प्रयास किया जाए कि यहीं बताते बताते 4-5 क्वेश्चन क्या किया जाए, धारा 4 से निकाला जाए अगली धाराओं का भी, और कई धाराएं रट डाली, यानी कि 79 से लेकर 90 तक एक या दो क्वेश्चन, 107 से लेकर 114 तक दो क्वेश्चन, धारा 4 से क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो तैयार करा ही दिया जाएगा। बस लास्ट उदाहरण देखिए कि एक ए के पास चोरी के कुछ समय बाद चुराया हुआ माल पाया गया। तो एक तथ्य दिखाया गया कि हजूर ए के पास चोरी के कुछ समय बाद चुराया हुआ माल बरामद हुआ। तो न्यायालय चाहे तो एक कल्पना इस आधार पर कर सकता है, कल्पना कहा जाता है उपधारणा, क्या कर सकता है कि ए चोर है, तभी तो चोरी का माल पाया गया। अब ऐसी दशा में ये कल्पना की क्या कि जो अभियोजन पर सबूत का भार था कि वह ये साबित करे कि ये चोर हैं, वह अब सबूत का भार किस पर शिफ्ट हो जाएगा, अभियुक्त पर। अभियुक्त को अब साबित करना पड़ेगा कि हम चोर। तो प्रिजम्पशन ने किया क्या, तो केवल किया ये कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, एक पक्षकार से किस पर चला गया। अब कब शिफ्ट होगा ये तो भाई कल बताया जाएगा आगे। देखिए आज भी नेट बना नहीं, अभी अगली क्लास चला जाए कि नहीं, नेट भी नहीं है आज, वो भी समस्या, कुछ ना कुछ पनौती लग ही जा रही। निकल जाए अब कल से चलेगा भाई, अगली क्लास अब नेट वोट बनवा जाए तब तो, नहीं तो लाइव वाले भी मार लगातार फोन कर रहे हैं, समस्या। मैं नहीं भाई, मैसेज जब भेज दिया जा रहा है तो भाई फोन ना करिए, ये नहीं कि मैसेज भेजा गया था कि लाइव क्लास नहीं चाहिए, इंटरनेट अब तार और कहीं टूटा है उसको बनवाया जाए।